गोपाल नमकीन पावर्ड बाय श्रीमती जी प्रोडक्ट पार्टनर उमिया चा इन एसोसिएट विथ आत्मा डेंटल क्लिनिक गिफ्टिंग पार्टनर सिंधु सुपर क्लीन बेकरी पार्टनर विनोद बेकरी। नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ कृष्णा, स्वागत है तमारू गोपाल नमकीन प्रेजेंट्स अब तक डिलीशियस रेस्थाड में। स्पोन्सर बाय श्रीमती जी प्रोडक्ट स्पोन्सर उमिया चा। दर्शक मित्रों, क्यारे कोई ओकेजन होय अने एमा तमने तमारी फेवरेट ड्रेस पहेरवा ना मळे तो अकड़ामण थई जाय ने, एवी ज रीते क्यारेक तमने कोई सारी वानगी खावानी इच्छा थई होय अने ना मळे तो गुस्सो आवे ने, तमारो आ गुस्सो अमे दूर करीशुं। तेना माटे आजे आपणे आवी पहोंच्या छीए राजकोटनी फेमस एवी होटल ફન હોટલમાં અને ત્યાંના એક્ઝિક્યુટિવ શેફ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, તો ચાલો આપણે એના પાસે જાણીએ કે તે આજે આપણા માટે કઈ નવી રેસિપી લઈને આવ્યા છે। શેફ શશી, સ્વાગત હે આપકા હમારે શો મે। થેન્ક યુ। આજ આપ હમારે યુઅર્સ કે લિયે કોન સી નઈ રેસિપી લેકે આયે? આજ હમ સ્મોક પનીર લવાબદાર બનાને જા રહે હૈ। ઓકે, ઓર યે રેસિપી કી ક્યા ખાસિયત હૈ? યે બેસિકલી પંજાબી ડિશ હૈ और एक जो पंजाबी फ्लेवर है वो इसमें आता है, ये थोड़ा स्पाइसी भी होता है एंड थोड़ा रिच भी होता है। ओके, तो इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो हमें पनीर लेना होता है। ओके। उसके बाद टोमेटो पेस्ट, काजू पेस्ट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड स्पाइसेस, सॉल्ट, शुगर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट है। देन इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दर्शक मित्रों आपड़ा इंग्रेडिएंट्स रेडी छे, शेफ पण रेडी छे अने हूँ पण रेडी छूं। तमे रेडी छो ने आ नवी रेसिपी सीखवा माटे? तो शुरू करिए आजनी आपणी रेसिपी। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पैन लेंगे और इसको हम गरम करेंगे। एक पैन लेंगे अने इने गरम करवानुं छे। इसके बाद ये जैसे गरम हो जाएगा हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ओके, एक चमची आपड़े तेल नाखवानुं छे। कौन सा ऑयल लिया हमने इसमें? इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। ओके, वैसे ये पीनट ऑयल में भी बनाया जाता है। ओके, सोयाबीन ऑयल में भी बनाया जाता है। देन हम थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे। ओके, एक चपटी आपड़े जीरू नाखवानुं छे आमां। इसको ब्राउन होने तक भूनना है? हाँ, जितना देर में ये ब्राउन होता है तब तक हमें भूनना है। ओके, जैसे ये ब्राउन हो जाएगा हम इसमें प्याज डालेंगे। जीरो ब्राउन થઈ જાય પછી આપણે એમાં 3-4 ટેબલસ્પૂન ડુંગળી નાખવાની છે। प्याज को स्टर करेंगे अच्छी तरह से। ओके, और इसको हम ब्राउन करने का इंतजार करेंगे। कांदा ने આપણે જે છે લાઈટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરીશું। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट कितना यूज किया हमने? एक छोटा चम्मच। ओके, एक चमची आपने आदू लहसुन की पेस्ट ना के हम सौते करेंगे। ओके, कितनी देर तक करना है सौते हमें? ये लगभग 1-2 मिनट तक करना होगा। ओके, 1-2 मिनट सुधी आपने कांदा लहसुन की जो पेस्ट है इन्हें साकड़ीसू। इसमें हम थोड़ा चॉप चिली ऐड कर देंगे। ओके, लीला मरचा ऐड करीशु आपणे। इसके बाद हम ये जो चॉप टोमेटो है ये ऐड करेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच। ओके, 1 टेबलस्पून आपणे झीणा समारेला टमाटा यूज करीशु। इसको थोड़ा अच्छा से पकाएंगे। ओके, सॉफ्ट होने तक हमें इसे फ्राई करना है? हाँ, सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करते रहना है, पकाते रहना है। और जैसे इसका एक कुक्ड स्मेल आने लगेगा देन हम ग्रेवी ऐड करेंगे। जो हमने टोमेटो पेस्ट कर रखा है वो ऐड करेंगे, काजू पेस्ट कर रखा है वो ऐड करेंगे। ओके, टोमेटो पेस्ट आपने कैसे रेडी किया है? ये टोमेटो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो टोमेटो को अच्छी तरह से धो के और उसको ब्लांच करना होता है। ओके, ब्लांच करने के बाद फिर उसी में हम काजू भी डाल देते हैं। ओके, थोड़ा सा, और थोड़ा सा मिर्ची डालते हैं यानी हरी मिर्च। ओके, और फिर उसको स्ट्रेन करके और पेस्ट बनाते हैं। ओके,
ये फ्राई हो चुका है, हमें कैसे पता चलेगा? ये लगभग फ्राई हो गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसका जो एक रॉ टेस्ट होता है, रॉ फ्लेवर होता है, वो नहीं आ रहा है। मीन्स ये फ्राई हो गया है और इसमें से जो ऑयल है वो छोड़ दिया है ऑयल, तो मीन्स ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ये जो टोमेटो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। तो दर्शक मित्रों, टमेटा डुंगळी અને આપણી જે પેસ્ટ જે છે એ સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને ટમેટાની પેસ્ટ નાખીશું। इसको पकते देना है, तब तक हम ये जो ग्राउंड स्पाइसेस हैं वो भी एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। स्वाद मुझे बापड़े नमक स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और ये देगी मिर्च है। देगी मिर्च स्पाइसी कम होता है लेकिन इससे कलर जो इसका रेड कलर है वो ज़्यादा आता है। तो एक छोटा चम्मच हम देगी मिर्च ऐड करेंगे। कलर माटे आपने देगी मिर्च नो यूज करेलो छे, नॉर्मल मरचू नथी नाखेलू। ये एक छोटा चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। एक चमची किचन किंग मसालो नाखीशु आपने। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। एक नानी चमची धाणा जीरो पाउडर नाखीशु। इसको हम पकाएंगे। मिक्स करके अने बधाने एक साथे मिक्स करीने आपने थोड़ी वार माटे फ्राई करीशु। ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका रीजन ये है कि जो हमने ग्राउंड स्पाइसेस डाला है वो ग्रेवी के बाद डाला है। ग्रेवी के पहले अगर हम डालते हैं तो ये थोड़ा जल्दी पक जाता, बट उसमें बर्न होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने ग्रेवी में ऐड किया है। और इससे टेस्ट का भी फर्क होता है। क्योंकि तो दर्शक मित्रों खास ध्यान रखवानो छे कि आपणे जे आखा मसाला जे छे ए ओलमा फ्राई करती वखते नथी लीधा, आपणे जे पेस्ट बनावी छे एमां ज आपणे आखा मसाला नाखेला छे। ये हमारा जो टोमेटो पेस्ट है ये लगभग लगभग पक गया है। अब इसमें हम एक चम्मच काजू पेस्ट ऐड कर देंगे। काजू पेस्ट आपने कैसे बनाया शेफ? ये काजू को बॉयल करके और पेस्ट किया हुआ है। इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया हुआ है, ये सिंपल काजू पेस्ट है। और काजू पेस्ट डालने का रीजन क्या है? इस ग्रेवी को रिच बनाता है ये। क्योंकि ये पनीर लबाबदार है, ये रिच होता है, और जब हम काजू पेस्ट ऐड करते हैं तो ये और भी रिच हो जाता है। तो दर्शक मित्रों रिचनेस माटे आपणे काजूनी पेस्ट नाखवानी छे। दर्शक मित्रों ग्रेवी ની એકદમ સરસ ખુશ્બુ આવી રહી છે અને મારા મોઢામાં તો અત્યારથી પાણી આવી ગયું છે। થોડા સા હમ કેપ્સિકમ એડ કરી દેંગે। चार पांच टुकड़ा आपने कैप्सिकम नाखीशु। ये कैप्सिकम हमने अभी डाला, इसके पहले हम डालते तो ये कैप्सिकम क्या होता है कि ज़्यादा ही पक जाता है और फिर वो जो उसका एक फ्लेवर आना चाहिए कैप्सिकम का वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने अभी डाला है। तो दर्शक मित्रों खास ध्यान रखवानुं छे कि कैप्सिकम जे छे ग्रेवी पाकी जाय पछी नाखवाना छे कि जेथी एकदम वधारे पाकी ना जाय अने सॉफ्ट ना थई जाय, क्रंची टेस्ट आवो जोईए कैप्सिकम नो। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये ग्रेवी एकदम ड्राई हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा पानी एड करके और फिर से इसको पकाएंगे। जो दर्शक मित्रों तमने ग्रेवी थोड़ी ड्राई लागती होय तो तमे एमां 3-4 चमची पानी पण नाखी शको छो। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे एज पर कंसिस्टेंसी। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए शेफ? ये कंसिस्टेंसी इसकी थिक ग्रेवी होनी चाहिए। हालांकि ये थिक ही है। ये थोड़ा सा और पकेगा ये। Thank you.
ये जैसे पक रहा है आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पनीर काटा है क्यूब शेप में, ये एक लबाबदार हम बनाते हैं तो इसी शेप में काटना होता है। अब इसको हम ड्रेन करके और अपने ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ओके, पनीर ना टुकड़ा नाखिया छे आपड़े, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये 2 से 3 मिनट तक पकेगा इसमें डालने के बाद। इसके बाद हम एक कस्तूरी मेथी है ये क्रश करके हाथ से इसमें डाल देंगे। शेफ, कसूरी मेथी डालने का क्या रीजन है? जो भी पंजाबी डिश होता है उसमें कस्तूरी मेथी डाला जाता है और एक कस्तूरी मेथी एक जो फ्लेवर है टेंजिनेस है वो बढ़ाता है। अभी हमारा लगभग ये पूरा रेडी है, अब इसको फिनिश करना है। तो फिनिश करने से पहले हम इसमें थोड़ा बटर ऐड करेंगे। बटर क्यों ऐड किया शेफ? बटर ऐड करने से इसका एक तो शाइनिंग बढ़ जाता है एंड ये रिचफुल हो जाता है। इसमें हम क्रीम भी ऐड करेंगे। बटर नाख्या पछी आपड़े एक चमची क्रीम नाखेली छे। घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं हम इसमें? हाँ, घर की भी मलाई यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पनीर लबाबदार रेडी है। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर से। अब इसको, ये पनीर लबाबदार रेडी हो गया। अब इसको हम स्मोक करेंगे तब जाके ये स्मोक पनीर लबाबदार बनेगा। शेफ, हमने ये जो पनीर है ऐसे ही रोल लिया है, हम उसको फ्राई करके भी ले सकते हैं कि ऐसे ही सॉफ्ट रहना चाहिए? नहीं, अगर हम फ्राई करके लेते हैं तो ये इतना सॉफ्ट नहीं होगा और उसका भी जो एक टेस्ट है वो एक चीवी हो जाएगा। और ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो दर्शक मित्रों, खास ध्यान रखवानुं छे कि जे आपणे पनीर लईए छे ए सॉफ्ट पनीर लेवानुं छे अने एने फ्राई करवानुं नथी। इसमें एज पर टेस्ट हम थोड़ा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर हमें ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है तो हम थोड़ा सा शुगर ऐड करके और इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अब ये हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा पनीर लबाबदार रेडी हो गया है। जो इसका देखिए कैसा शाइनिंग आया है और कितना अच्छा कंसिस्टेंसी आ गया है। हमारा पनीर लबाबदार रेडी हो गया है। अब इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम तो ये सर्विंग बाउल में डालेंगे पहले। આપણે આને સ્મોકી ફ્લેવર આપવાનો છે। ये હોટ ચારકોલ है। ओके, इसमें हम क्लोव्स डाल देंगे। ओके, 4-5 લવિંગ નાખ્યા છે આપણે ડુંગર ની ઉપર। ये पनीर हम पनीर लबाबदार इसी में डाल देंगे। इसके ऊपर ये देसी घी डालेंगे ताकि इसका जो पूरा धुआं है वो निकले। फिर इसको हम कवर कर देंगे। सिल्वर फॉइल से हम उसको कवर कर देंगे ताकि इसका धुआं निकले नहीं और ये जो पनीर लबाबदार है इसमें अब्जर्व हो जाए। लौंग का प्रोमिनेंट टेस्ट आएगा इसमें, राइट? हाँ, इसमें लौंग का और देसी घी का प्रोमिनेंट टेस्ट आएगा और फ्लेवर आएगा। ये बहुत ही फ्लेवरफुल होगा। और जो ये स्मोक्ड पनीर लबाबदार है ये यहाँ फन होटल में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जो भी हमारे गेस्ट आते हैं सबसे पहला चॉइस यही होता है कि हम स्मोक्ड पनीर लबाबदार खाएँ। तो दर्शक मित्रों, आपणे लकी छे कि आपणे फन होटल की स्पेशलिटी स्मोक पनीर लबाबदार शीखी रहा छे। शेफ, ये स्मोक हो रहा है तब तक आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो पनीर है वो हम घर में बनाते हैं तब ये चुई सा हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, तो पनीर को सॉफ्ट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पनीर को सॉफ्ट रखने के लिए सबसे पहले तो जब भी हम पनीर काटते हैं उसको ठंडे पानी में डाल के रखना चाहिए। क्योंकि ये एक मिल्क का बायो प्रोडक्ट है। तो इससे सॉफ्टनेस बढ़ता है इसका।
ओके तो दर्शक मित्रों पनीर ने सॉफ्ट बनावा माटे जारे पनीर बनी जाए अने एना टुकड़ा थई जाए त्यारे आपणे एने पाणी मां राखवानुं छे के जेथी एमनी सॉफ्टनेस जळवाई रहे। अब हमारा ये स्मोकिंग प्रोसेस हो गया है और ये पूरी तरह से स्मोक हो गया है पनीर। ओके जिसको हम हटा देंगे सिल्वर फॉइल को। इसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है। अब इसका हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। गार्निश करवा माटे आपणे मां 1 चमची जेटली क्रीम नाखीशुं। जुलियन ऑफ कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम और बेल पेपर ही है। ये एक इसका लुक बढ़ा देता है। ओके हमारा स्मोक्ड पनीर लबाबदार रेडी है। ओके आप खा के बताइए कि कैसा टेस्ट है। डेफिनेटली दर्शक मित्रों कलरफुल एवा स्मोक्ड पनीर लबाबदार के जे फन होटल नी स्पेशियालिटी छे बनीने रेडी छे। खूब ज सरस एमां स्मोकी फ्लेवर पण आवी रह्यो छे तो हूँ तमने टेस्ट करीने जणावुं के ते टेस्ट मां केवुं बन्युं छे। દર્શક મિત્રો ટેસ્ટમાં ખૂબ જ ડિલિશિયસ છે અને આમનું જે પનીર જે છે એ પનીર એકદમ સોફ્ટ બનેલું છે આમનું પનીર અને સ્મોકી ફ્લેવર જે આમાં લવિંગના કારણે આવે છે એ ખૂબ જ સારો આવે છે અને આપણા જે ગુજરાતીઓ જે હોય છે તે પંજાબી વાનગીઓ છે કે કોઈ પણ વાનગીઓ છે તેની સાથે ખાવા માટે સ્નેક્સના શોખીન હોય છે કાંઈ ને કાંઈ એમને જોતું હોય છે તો એના માટે આપણે યુઝ કરીશું આજે ગોપાલના ગાંઠિયા નાયલોન ગાંઠિયા કે જે આના સાથે ખૂબ સારો ટેસ્ટ આપે છે। मेरी रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो है अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधू सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, क्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक You believe। सुबह होते ही अर्जेंट 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 के चक्कर में अभी अभी जिंदगी कट जाती है। ओ ओ कन्फ्यूजन के दौर में ओ ओ जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उम्मीद चाय का लाइफ बैलेंस हो जाता। દર્શક મિત્રો સ્મોક પનીર લબાબદાર તમારે ઘરે બનાવવા માટે જરૂર પડશે રેસિપીની રીત અને સામગ્રીની તો આપ નોટ કરી લો સામગ્રી અને રીત। સ્મોક્ડ પનીર લબાબદાર બનાવવા માટેની સામગ્રી પનીર 80 ગ્રામ, ડુંગળી 20 ગ્રામ, લસણ 5 ગ્રામ, ટમેટા 50 ગ્રામ, કેપ્સિકમ 5 ગ્રામ, કાજુના ટુકડા 10 ગ્રામ, તમાલપત્ર 1 નંગ, આદુ લસણની પેસ્ટ 10 ગ્રામ, ખાંડ 1 ચમચી, તજ 1 નંગ, લવિંગ 3-4 નંગ, બટર 5 ગ્રામ, ફ્રેશ ક્રીમ 10 ગ્રામ, કસૂરી મેથી 1 ચમચી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, કાળા મરી 5 નંગ, લીલા મરચાં 2 નંગ, ધાણાજીરું પાવડર 1 ચમચી, લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી, તેલ જરૂર મુજબ, દેશી ઘી 2 ચમચી।
સ્મોક્ડ પનીર લબાબદાર બનાવવા માટેની રીત. એક કઢાઈ લઈ તેમાં એક ચમચી તેલ નાખો, તેમાં જીરું, સમારેલી ડુંગળી, આદુ લસણની પેસ્ટ, લીલા મરચાં, સમારેલા ટામેટાં, અગાઉથી તૈયાર કરેલી ટમેટાની પેસ્ટ, મીઠું, દેગી મિર્ચ, કિચન કિંગ મસાલો, ધાણા જીરું પાવડર નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી તેમાં કાજુની પેસ્ટ, કેપ્સિકમ, પનીરના ટુકડા નાખી મિક્સ કરી 2-3 મિનિટ માટે પકાવો. ત્યારબાદ તેમાં કસૂરી મેથી, બટર, ક્રીમ, ઇલાયચી પાવડર, ખાંડ નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી બાઉલમાં કાઢી લો. પનીર લબાબદાર રેડી છે. તેમાં સ્મોકી ફ્લેવર આપવા માટે એક કઢાઈમાં અંગાર લઈ તેના ઉપર લવિંગ નાખી ઉપરથી ઘી એડ કરી તૈયાર કરેલ પનીર લબાબદારના બાઉલ મૂકી સિલ્વર ફોઇલથી કવર કરો તો તૈયાર છે આપણું સ્મોક્ડ પનીર લબાબદાર. તેને ક્રીમ બેલ પેપરથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. તો દર્શક મિત્રો, તમે નોંધ કરી લીધી હશે રેસિપીની સામગ્રી અને રીત. શેફ, થેન્ક યુ સો મચ કે આપને હમારે વ્યૂઅર્સ કે લીએ ઇતની અચ્છી ઓર ડિલિશિયસ રેસિપી બનાઈ. ઓર હમારે વ્યૂઅર્સ જો હૈ વો ઘર પે યે રેસિપી ઇઝીલી બના સકે ઉસકે લીએ ક્યા આપ ટિપ્સ દેંગે? સબસે પહેલે તો યે જો સ્મોક પનીર લબાબદાર હૈ યે ઓલ ફેવરેટ હૈ ઓર કોઈ ભી ઇસકો ઘર પે બના સકતા હૈ ક્યુંકી યે બહોત ઇઝી પ્રોસેસ હૈ જો ક્યુંકી ઇસમે પનીર લેના હૈ ઓર પનીર કો ફ્રાઈ નહીં કરના હૈ. જો ટિપ્સ હૈ वो है कि पनीर क्यूब में काट के और ठंडे पानी में इसको सॉक कर देना है, भिगो के रखना है. देन जो टोमेटो पेस्ट है और काजू पेस्ट है ये उसका रिचनेस बढ़ाता है क्योंकि ये लबाबदार एक रिच ग्रेवी होता है जिसमें थोड़ा मसाले का भी फ्लेवर रहता है और अनियन, टोमेटो एंड कैसूनट का बरोबर फ्लेवर रहता है. देन उसमें एक जो हम कैप्सिकम ऐड करते हैं तो एक प्रोमिनेंट फ्लेवर ऑफ कैप्सिकम का भी आता है. ये पनीर लबाबदार है, ये मेन कोर्स है, तो इसके साथ हम क्या सर्व कर सकते हैं? ये मेन कोर्स वेजिटेबल है तो ये बेसिकली जो क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग करता है तो इसके साथ में जो अच्छा है वो नान होता है. okay. नान या गार्लिक नान, तंदूरी रोटी, या घर पे अगर हम बना रहे हैं तो तवा पराठा या तवा रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं, पुलाव के साथ खा सकते हैं. पुलाव के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. या जीरा राइस हम बनाते हैं तो जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन. वेलकम. तो दर्शक मित्रों, તમે ધ્યાનથી સાંભળી હશે શેફની ટિપ્સ. દર્શક મિત્રો, ઘણા લોકો જે છે એ રસોઈ કળાને વિજ્ઞાન સાથે સરખાવતા હોય છે અને એમાં કંઈ ખોટું પણ નથી, કેમ કે વિજ્ઞાનની જેમ રસોઈ કળામાં પણ અવનવા એક્સપેરિમેન્ટ થતા હોય છે. તો આવા અવનવા એક્સપેરિમેન્ટ અને રેસિપીઝ શીખવા માટે તમે જોતા રહો ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળ, સ્પોન્સર બાય શ્રીમતી જી, પ્રોડક્ટ સ્પોન્સર ઉમિયા ચા, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સ્પોન્સર આત્મીય ડેન્ટલ ક્લિનિક અને ગિફ્ટ સ્પોન્સર સિંધુ સુપર ક્લિન. ટિલ ધેન સ્ટે ફૂડી, સ્ટે હેલ્ધી.